नेतृत्व में एक बार फिर केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हालांकि बीजेपी के 400 पार के नारों के विपरीत आए चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए गठबंधन ने पूर्ण बहुमत पा लिया। ऐसे में पीएम मोदी को सरकार बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हाल में ही एनडीए की बैठक में वही हुआ जिसका डर था। दरअसल नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने इसमें मंत्रालय की मांग रखी है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित हो चुके हैं। भले ही बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को 292 सीटें मिली, लेकिन इस अधूरी हार के कारण अब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। ऐसे में अब सबकी निगाहें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर टिकी है। जेडीयू के खाते में 12 और टीडीपी के खाते में 16 सीटें आई, दोनों को मिलाकर कुल 28 सीटें होती है, जो मौजूदा परिस्थिति में बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में अब बीजेपी को सहारे की सरकार पर निर्भर रहना होगा। नतीजे आने के बाद तो सहयोगी दलों ने भी अपने नखरे दिखाने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार नायडू बीजेपी के साथ विभिन्न स्तर पर बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद के साथ विभिन्न मंत्रालय की भी मांग की है। कहा जा रहा है चंद्रबाबू नायडू ने वित्त, सड़क, परिवहन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, आवास और शहरी मामले, कृषि, जल शक्ति, आईटी और संचार के साथ ही शिक्षा मंत्रालय उन्हें देने को कहा है। आपको बता दें, नतीजे आने के 24 घंटे के बाद के भीतर ही बीजेपी के सहयोगी पार्टियों ने अपनी अपनी शर्तें रखना शुरू कर दिया। चुनाव के नतीजे आने के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के सहयोगी दल इस बार उनके सामने कुछ खास शर्त रख सकते हैं। इसके साथ साथ नायडू आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जे की मांग रख सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नायडू को मनाने की जिम्मेदारी मिली है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक विशेष मिशन पर लगाया गया है। इस योजना के तहत अखिलेश यादव को टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ जोड़ने का जिम्मा सौंपने की जिम्मेदारी देने की योजना पर काम किया जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया इस मिशन में कितने कामयाब हो पाते हैं। अब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करें तो ऐसे में नीतीश कुमार को कहा जाता है कि नीतीश कुमार सबके हैं, लेकिन इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इस बार नीतीश कुमार दल खोलकर एनडीए को अपना समर्थन देते हैं या नहीं, या हर बार की तरह इस बार भी नीतीश कुमार पलटी मार देंगे। हालांकि विश्वस्त सूत्रों से ये पता चलता है कि नीतीश कुमार अभी फिलहाल एनडीए को अपना समर्थन पत्र दे चुके हैं। इसके बदले नीतीश कुमार सरकार से अपने लिए क्या मांगते हैं, ये जानना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि शायद इस बार नीतीश कुमार के बिहार के लिए और अपने सांसदों के लिए कुछ स्पेशल मंत्रालय की मांग की जा सकती है। सबसे पहले तो नीतीश कुमार अपने बिहार के लिए स्पेशल राज्य के दर्जे की मांग रख सकते हैं और साथ ही साथ कैबिनेट में 4 मंत्री पद की भी मांग रख सकते हैं। स्पेशल डेस्क TV45 न्यूज। और इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ मनमोहन सिंह राजपूत जी हमारे साथ बनवे उनका रुख करेंगे। मनमोहन जी, देखिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बार थोड़ा मामला जो है उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए में अहम भूमिका निभा रहे टीडीपी और जेडीयू अपनी मांगे बड़ी रख रहे हैं, तो क्या कुछ मांगे रखी गई है, क्या इन मांगों से एनडीए की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए अंकिता, सबसे पहले इस बात को समझिए कि सियासत में केंद्र के 3 सरकारों में गठन की अहम भूमिका निभाने वाले तेलुगु देशम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, इनके बारे में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये केंद्र में 3 बार अपनी सरकार स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। पहले एडी देवगौड़ा की सरकार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसके बाद 1996 और 1998 में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में
राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाई थी। अभी जो सियासत के जो अगर कह सकते हैं सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जो एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में है, इनको निभाने का मौका मिल रहा है। टीडीपी आंध्र प्रदेश के जो लोकसभा जो लड़ी गई थी इसमें 17 सीटों में से 16 सीटें का मतलब इन्होंने जीती, 17 सीटों में चुनाव लड़ा था जिसमें 16 सीटें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने चुनाव लड़ा। नायडू की पार्टी जो है इस वक्त भारत में सबसे मतलब दूसरी पार्टी कह सकते सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि जिस तरह से पहली पार्टी की अगर बात करें तो वो है भारतीय जनता पार्टी, उसी तरह नायडू भी 16 सीटें जीतकर दूसरी ऐसी पार्टी बन चुके हैं कि देश में सबसे ज्यादा सीटों नायडू की पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिली, इसलिए प्रभावशाली स्थिति में नायडू को लाकर खड़ा किया गया। इसलिए इस जगह पर अगर नायडू की मैं बात करूं तो नायडू किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। अंकिता देखिए मनमोहन जी, सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर सामने आ रही है कि लोकसभा स्पीकर पद तक की मांग की गई है, तो वहीं अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार पर भी सबके निगाहें टिकी हुई है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा जो कि लगातार मांग की जा रही थी बिहार में, इसे लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी है जो हमलावर रहा कि जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो अब विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल जाना चाहिए। तो क्या लग रहा है, क्या इन अटकलों के बीच नीतीश कुमार मनाने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे? देखिए अंकिता, इस बात को भी समझना कि नीतीश कुमार के हाथ में इस बार पाला है, नीतीश कुमार भी कम से कम अपने पाले के रूप में जैसे अगर पलटी नहीं मारते हैं तो इस बार शायद वो अपने पाले को अपने मोदी के राज्य में कम से कम इस बार अपने सामने रख सकते हैं, क्योंकि उनकी भी पार्टी ने कम से कम ये दोनों पार्टी को मिला दे 28 सीटों पर इन्होंने जीत दर्ज की है, तो ये कहीं ना कहीं किसी रूप में सरकार से अपनी मांगों को रख सकते हैं और विशेष राज्य का दर्जा ये पहली बार मांग सकते, क्योंकि हर बार जब भी पाछा पलटते हैं या पाला पलटने की बात करते हैं कहीं ना कहीं ये अपनी मांग को रखते हैं कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले और अपने लिए 4 मंत्रालय पद का ये कोई कोई मांग रख सकते हैं, क्योंकि इसी तरह टीडीपी जो है टीडीपी के जो प्रमुख हैं एन चंद्रबाबू नायडू जो है वो भी अपने लिए एक स्पीकर पद अहम मंत्रालय मांग रहे हैं, गृह मांग रहे हैं, उसके बाद आवास विकास मांग रहे हैं, शहरी मांग रहे हैं, आईटी मांग रहे हैं, तो इस तरह के अहम पदों को लेकर के ये दोनों आपस में लगे हुए, कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो इस वक्त इन दोनों को लेकर साथ चलना चाहती है और इन्हीं दो अहम मुद्दों को लेकर के और इन्हीं दोनों को साथ लेकर के सरकार बनाते हुए दिखेंगे यहाँ पर। जी मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार तो जरूर बनने जा रही है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा उल्टा पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। एनडीए में अहम भूमिका निभा रहे टीडीपी और जेडीयू अपनी मांगे बड़ी रख रही है, और हमारे एडिटर इन चीफ मनमोहन जी ने भी साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं नीतीश और नायडू किंग मेकर की भूमिका इस बार निभाते हुए जरूर नजर आएंगे।